हेलो गाइस, राधे राधे, वेलकम बैक टू कान्हा चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज हम बोड़े की सब्ज़ी बनाएंगे, वो भी अलग तरीके की, क्योंकि बच्चे इसे बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं। एक बार इसे बना लेंगे ना तो बच्चे भी खाना शुरू कर देंगे। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फटाफट इस रेसिपी को बनाते हैं और देखते हैं कैसे बोड़े की सब्ज़ी बनती है। तो बोड़े की सब्ज़ी के लिए मैंने यहाँ पर दो छोटे साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, मीडियम साइज़ के। 3 से 4 हरी मिर्च ले लिए हैं, बोड़े काट के मैंने धुलकर ले लिया है। 3 से 4 मैंने प्याज ले लिया है छोटे साइज़ के, और 2 बड़े साइज़ के आलू मैंने काट लिए हैं, थोड़े से हरी धनिया। अब इसे साइड में रखते हैं, लेते हैं मिक्सी जार में हम डाल देते हैं लहसुन की कलियाँ कुछ। यहाँ पर 6 से 7 मैंने लहसुन की कलियाँ लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने रफली काट लिया है। इसी तरह से हम हरी मिर्च को भी रफली काट के डाल देते हैं, और टमाटर प्याज को भी इसी तरह से काट के डाल देंगे। तो लीजिए, मैंने टमाटर प्याज को भी डाल दिया। अब इसका एक पेस्ट तैयार कर लेना है मुझे। तो लीजिए, पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है। बढ़ते हैं गैस की तरफ, इसे रखते हैं साइड में, और यहाँ पर हम गैस ऑन कर दिए हैं, और कढ़ाई में हम डाल देते हैं मस्टर्ड ऑयल। यहाँ पर 3 से 4 मैंने बड़े चम्मच ले लिए हैं मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा, इसमें हम आलूओं को रफली हुई जो आलू मैंने काटा है इसे हम डाल देते हैं। थोड़े से बड़े साइज़ में मैंने आलूओं को काटा है। इस तरह से आलू को थोड़ा सा काट के डालेंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगती है सब्ज़ी, और इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। अब इसमें हम 2 मिनट के लिए लीड लगा देते हैं, बीच बीच में आप चेक करते रहिएगा। तो इसे हम दोबारा से वापस से खोल के चला लेते हैं। तो यहाँ पर वापस मैंने लीड लगा दिया है, वापस मैंने लीड खोल कर इसे दोबारा से चला दे रही हूँ, क्योंकि 1 से 2 मिनट हो चुका है, अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। और इसी के साथ हम डाल देते हैं बोड़े जो मैंने काटे हैं लंबे, थोड़े से लंबे लंबे मैंने काटा है। अब इसे भी हम थोड़े से इसे आलूओं के साथ फ्राई कर लेते हैं। अब केवल 1 मिनट के लिए लीड लगा देते हैं। तो 1 मिनट हो चुका है, इसे वापस से हम चला लेते हैं, और थोड़े से ये फ्राई हो चुके हैं। तो अब ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है, इसे हमें निकाल लेना है छान के। ऑयल को हमें छान लेना है, आलू ऊपर कर लेना है, इस तरह से घुमाते हुए हमें ऑयल जो हो भी एक्स्ट्रा हो निकल जाए, इस तरह से हमें छान लेना है आलू और बोड़े को। आपकी तरफ बोड़े को क्या कहते हैं हमें नहीं पता है, लेकिन हमारी यूपी तरफ यही कहते हैं बोड़े। तो बोड़े की सब्ज़ी जो है बहुत ही टेस्टी बनने वाला है गाइस। अब इसमें हम डाल देते हैं उसी ऑयल में थोड़े से 1 बड़े चम्मच बेसन। इसे हमें बढ़िया से धीमी आंच पर भून लेना है। तो बेसन को हमने अच्छे से भून लिया है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो इसमें हम डाल देते हैं पेस्ट जो टमाटर और प्याज लहसुन और अदरक हरी मिर्च का बनाया था, इसे हम डाल देते हैं, और इसे बढ़िया से भूनेंगे। थोड़ा सा पानी मिक्सी जार में डालकर इस तरह से मसाले को निकाल लेते हैं, और इसे कढ़ाई में डाल के इसे बढ़िया से हमें भून लेना है। इसकी भुनाई अच्छी होनी चाहिए। तो वापस से हम लीड लगा देते हैं 1 से 2 मिनट के लिए, और खोल के वापस से हम चेक कर ले रहे हैं। तो इस तरह पेस्ट को हमें चलाते हुए अब हमें इसमें मसाले ऐड कर देना है, क्योंकि मसालों को भी हमें पकाना है। तो यहाँ पर हम कुछ मसाले ले लिए हैं, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला और रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर। धनिया पाउडर मैंने 1 बड़ा चम्मच लिया है, बाकी सारे मसाले मैंने आधी आधी छोटी चम्मच ले लिया है। तो सारे मसालों को डाल के मैंने इस तरह से घुमाते हुए इसे चला देंगे, ताकि मसाले हमारे पेस्ट के साथ अच्छे से मिल जाएँ। और वापस से हम लीड लगा देते हैं 1 से 2 मिनट के लिए, बीच बीच में आप चलाते रहिएगा। तो लीड उठा के हम फिर से चला रहे हैं, ढक्कन आप साइड में लगाए रहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छींटे आते हैं। तो लीड वापस से हम लगा देते हैं। अब इसी के साथ थोड़ी सी कसूरी मेथी भी हम ऐड कर दे रहे हैं, क्योंकि कसूरी मेथी को भी हम अच्छे से भून लेते हैं इस मसालों के साथ, इससे स्वाद और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है गाइस। और वापस से हम लीड उठा कर देख लेते हैं मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं कि नहीं। तो ये काफ़ी अच्छे से भून चुका है हमारे मसाले, इसमें हमने ज़्यादा ऑयल नहीं डाला है। अब जो हमने फ्राई किए हैं सब्जियाँ हैं उसे हम डाल देते हैं, इसे हमें बढ़िया से भून लेना है। अगर आपको लिक्विडी नहीं बनाना है तो इसी तरह से आप मसालों के साथ भून के इस तरह से भी थोड़े से मलाई डाल के आप पका सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगने वाला है गाइस। तो थोड़ा इसमें हम पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमें लिक्विडी चाहिए ग्रेवी। अब इसकी भुनाई हमने अच्छे से कर लिया है, थोड़ा सा इस तरह से बीच बीच में चलाते हुए सब्जी को मसालों के साथ अच्छे से भुनाई कर लेंगे,
और देख सकते हो अच्छे से बुनाई हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे आधा गिलास के करीब पानी, ये एक पाव का गिलास है, और इसमें हम डाल देते हैं आधा गिलास, थोड़ा सा कम ही होगा क्योंकि अभी ग्रेवी थोड़ा पकेगी तो थोड़ा सा ये गाढ़ी हो जाएगी, इतनी ग्रेवी हमें रखना है। तो इसमें स्वाद अनुसार हम नमक ऐड कर देते हैं और थोड़े से फ्रेश हरी धनिया डाल देते हैं बारीक कटा हुआ। इस तरह से चलाते हुए इस पर लीड लगा देंगे क्योंकि इसे हमें 2 से 3 मिनट तक पकाना है। तो यहाँ पर 3 मिनट हो चुके हैं लगभग। अब ग्रेवी हमारी काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है, बिल्कुल परफेक्ट हमें ग्रेवी इसी तरह से चाहिए क्योंकि थोड़े से हमारे घर में ग्रेवी टाइप के सब पसंद करते हैं, तो थोड़ा सा ग्रेवी ही रखना है। अगर आपको ग्रेवी नहीं पसंद हो तो मलाई डाल के आप उतार लीजिए। तो यहाँ पर हम मलाई वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किए हैं, बहुत ही शाही सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी हो चुका है। बिल्कुल कोई यकीन नहीं करेगा कि बेसन अगर डालने से इतनी टेस्टी आपकी यम्मी सब्ज़ी बनकर तैयार हो सकती है। सो गाइस, ये बोड़े की सब्ज़ी की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे एंड बाय बाय।